की चाय? ओ चाय, थैंक यू। घर का सामान खत्म हो रखा है, लेके आना है। कब लेके आएंगे? अभी चले? चलो अभी चलो। हाँ सामान ले आते हैं, थोड़ा सा सामान खत्म हो रखा है। एक महीना हो गया लॉकडाउन लगे हुए, कब हटेगा ये लॉकडाउन? बोर हो गए हम तो घर पे बैठ के। एक हफ्ता तो लगातार हो गया हम घर पे बैठे हैं, कहीं गए भी नहीं और बोर हो रखे हैं। कब निकलेंगे हम बाहर? कब खुलेगा ये लॉकडाउन? अरे आज की रोज आपने देखे नहीं, लॉकडाउन को और 3 मई तक बढ़ा दिया है। क्या बात कर रहे हो सच्चे में प्रभु, मैं तो सोच रही थी कि 19 अप्रैल तक लॉकडाउन है और 20 तारीख को सब कुछ खुल जाएगा और हम लोग बाहर जा सकेंगे, नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे, लेकिन फिर बढ़ गए हैं। हाँ आज की न्यूज में आया हुआ है कि लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया। ओ गॉड, कब खुलेगा ये लॉकडाउन? ये 3 मई के बाद ये सोचेंगे कि खोलना है नहीं खोलना, क्योंकि अभी जो जर्मनी के जो केस है ना वो अभी तक भी 2,000-3,000 डेली आ रहे हैं। तो अभी उसके बाद ये डिसीजन लेंगे 3 मई के बाद कि क्या करना है। मुझे मास्क भी चाहिए, मास्क लेके आना है मेरे को। ठीक है अभी चलेंगे। ठीक है आप अपनी चाय फिनिश करो, इतने में रेडी हो जाती हूँ, फिर चलते हैं हम लोग बाहर। थोड़ा सा सामान वगैरह लेके आएंगे और मास्क लेके आएंगे। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ हिमांशी और आप देख रहे हैं इंडियन गर्ल इन जर्मनी। तो इस समय हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो और मार्केट में हम आपको ले चलते हैं साथ में और दिखाते हैं यहाँ का क्या माहौल है, क्योंकि आज के जो न्यूज़ आई है उसके अंदर इन्होंने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है और देखते हैं कि लॉकडाउन का असर जनता पर और कितना है, क्योंकि ये अभी और आगे बढ़ा दिया गया है और देखते हैं यहाँ की जनता क्या लॉकडाउन का पालन कर रही है या फिर ऐसे ही घूम रहे हैं। चलो ले चलते हैं आप लोगों के साथ और दिखाते हैं यहाँ की मार्केट और यहाँ के लोग कैसे यहाँ के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जर्मनी में इस समय ऐसा कर दिया गया है कि जो इस समय जिस भी शहर में है वो उसी शहर में रहे, एक शहर से दूसरे शहर में जाने की इजाज़त नहीं है, इस समय अलाउ नहीं है। अगर हम लोग हमबर्ग भी जाना चाहें तो वहाँ पे जो कौन सी ऑटोबान ना ऑटोबान जो हाईवे है इनका, जो जर्मन के अंदर इसको ऑटोबान कहते हैं, अपने इंग्लिश में इसको हाईवे कहते हैं, हाईवे के ऊपर पुलिस खड़ी हुई है। अगर आप अपने सिटी से बाहर निकलोगे हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी को चढ़ाओगे तो वहीं पे आपको 1-2 किलोमीटर के बाद पुलिस मिल जाएगी और वो आपको कहेगी कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आपसे पूछेगी और फिर आप कहोगे कि मैं दूसरी सिटी में जा रहा हूँ, तो वो कहेगी आपको क्या, किस चीज़ के लिए आप दूसरी सिटी में जा रहे हो, आप कहोगे कि मेरे को ऐसे घूमने के लिए या मार्केट में सामान लेने के जाना है, तो उन्होंने यही कहना है कि आप वापस जाओ, आप नहीं जा सकते जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद ही आप दूसरी सिटी में जा सकते हो। इसका मतलब ये है कि एक शहर से दूसरे शहर बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। हाँ यही है। धूप बहुत अच्छी है, आज का मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ट्रॉली वगैरह को करा था ना पकड़ के, सामान लिया था। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी मंजिल की ओर और अब हम मास्क लेंगे। अभी हम जा रहे हैं मास्क लेने के लिए अपोथेक में, मेडिकल स्टोर में। चलिए, गर्मी देखो कितनी बढ़ गई है ना, लोगों ने अपने ओपन कार में आ गए हैं लोग। हाँ आज मौसम अच्छा है, गर्मी है, टेम्परेचर आज 20 से ऊपर है। ये भी हम जा रहे हैं यहाँ पे सिटी पार्क में और यहाँ पे जो सिटी पार्क के अंदर जो दुकानें हैं वो अभी बंद हैं, सिर्फ यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर और जो ग्रोसरी का सामान मिलता है वही खुला है और जो दुकानें, जो छोटी दुकानें यहाँ पे, जो कपड़ों की दुकानें हैं, जो और दुकानें हैं, वो अभी आज के न्यूज़ में आई हुई है कि वो मंडे से
खुल जाएगी। इस समय हम लोग आ गए हैं सिटी पार्क में। ये सिटी पार्क पहले बहुत ही खचाखच भरा रहता था और इस समय लॉकडाउन के समय मैं आपको यहाँ का हाल दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं बहुत खाली पड़ी है पार्किंग जो है, पूरी ये पार्किंग खाली है यहाँ पर चारों तरफ, वरना यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई होती है। यहाँ पे पार्किंग इतनी फुल होती है कि आपको पार्किंग के लिए गाड़ी पार्क के लिए पार्किंग नहीं मिलती है, पर आज यहाँ पे सारा कुछ खाली पड़ा है। और आपको ये कार दिख भी रही है ना, ये इसलिए खड़ी है यहाँ पे, इसलिए पार्क हुई है क्योंकि इस ये जो सिटी पार्क है इसके अंदर ग्रॉसरी की जो मार्केट है वो खुली है और एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, तो उसके लिए ही ये लोग सामान लेने के लिए आए हुए हैं। और बाकी है ना ये सारा खाली है। मैं बहुत मिस कर रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि ये जल्दी से सारा कुछ खुल जाए ताकि मैं शॉपिंग कर सकूँ, यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स खुल जाएँ और मैं शॉपिंग कर सकूँ। मैं बहुत मिस कर रही हूँ। ये इधर बस स्टैंड है। नेक्स्ट वीक से मंडे से स्टार्ट हो जाएगी 20 से। यहाँ देखिए आप कितना सन्नाटा पस रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। पहले सारा कुछ खुला रहा है, लिफ्ट है यहाँ पे और हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं ताकि यहाँ पे मेडिकल स्टोर है ना, हम वहाँ से मास्क लेंगे और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने बैठने के लिए पूरी बैरिकेडिंग कर दी है कि आप यहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं। और सारे दुकानें बंद, आप देख सकते हो ये यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और बहुत ये शॉप है। ये तो वो जो जो डॉगीज का जो खाने का सामान मिलता है ना, टियर फूड यहाँ पे, टियर फूड यहाँ पे मिलता है, कोई खाने पीने का खुला ही है पर चाहे डॉगीज का। यहाँ पे देखो कितने रेस्टोरेंट हैं और ये छोटी दुकानें हैं, सभी ये जो बंद कर रखा है इन्होंने। ये लॉकडाउन को भाई इन्होंने बढ़ा दिया है और लॉकडाउन को 3 मई तक कर दिया है। और आप घर से बाहर निकल सकते हो पर आपको डिस्टेंस बना के खड़ा होना पड़ेगा, जो भी मैंने आपको पीछे बताया था कि 1.5 से 2 मीटर की दूरी बनाकर। और ये लॉकडाउन इन्होंने अभी नया इन्होंने कहा है कि अभी मार्केटें हैं वो स्टार्ट हो जाएगी मंडे से, तो छोटी दुकानें हैं वो, और रेस्टोरेंट और स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं वो है 3 मई तक। और ये अभी मोमेंट है जो अभी जो इनके हालात हैं वो थोड़े ज़्यादा ख़राब है क्योंकि डेली 2-3 हज़ार डेली नए केस आ रहे हैं। तो अभी तो इन्होंने 3 मई तक ये लॉकडाउन कर दिया गया है और अभी आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि लॉकडाउन को ये आगे बढ़ाएंगे या यहीं पर 3 मई के बाद सारा कुछ ओपन कर देंगे। हम यहाँ पर जिस मॉल के अंदर हैं आप देख सकते हैं कि सभी दुकानें बंद हैं और ये दुकानें हैं वो मंडे से अभी स्टार्ट हो जाएगी, मंडे से जो छोटी दुकानें हैं वो। और जो 800 क्वाडमीटर से ज़्यादा बड़े मॉल हैं उनको इन्होंने बंद कर दिया है 3 मई तक। 800 क्वाडमीटर से जो छोटी दुकानें हैं वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। और इन्होंने ये कहा है कि जो रेस्टोरेंट है और जो किंडरगार्टन और जो बच्चों के स्कूल हैं वो इन्होंने बंद कर दिए अभी 3 मई तक। 3 मई के बाद अभी तक कुछ नहीं है, जिस हिसाब से इन्होंने अभी जो आगे बढ़ाया है अभी 3 मई तक, 19 अप्रैल तक था अभी, अभी इन्होंने 3 मई तक कर दिया है। और सैलून में इन्होंने यही कहा है कि सैलून को 3 मई के बाद इन ये बताएंगे कि खोलनी या नहीं खोलनी, अभी इन्होंने यही कहा है कि 3 मई तक सारा कुछ बंद है, सैलून भी बंद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार को तो आपको लगेगा कि ये खुली हुई है शॉप लेकिन ये बंद है, सामान इन्होंने ऐसे ही रख रखा है डिट्टू, लेकिन ये बंद है इस समय। और आगे चलते हैं, देखिए सारा कुछ बंद है सारा कुछ। और ये है कपड़ों की दुकान, ये मेरा फेवरेट सिटी मॉल है जिसमें मैं हमेशा आती थी, लेकिन शाह गई इस समय ये बंद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए बाउंड्री कर रखी है यहाँ पे बैठने की जगह पर कि यहाँ पे बैठ नहीं सकते, और वहाँ पे हमेशा फव्वारा चलता था वो भी इस समय बंद कर दिया गया। और कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे जो कि यहाँ पे सामान लेने के लिए आए हैं अपनी ज़रूरत का, और पूरा मॉल जो है वो बंद है। नहीं है इनके पास मास्क?
Diese Maske. Ja. Achso, haben Sie das bisschen dicke, das ist so groß? Also, wie viel Filter ist da drin? Eine Filter. Wie lange kann man benutzen? Maximum 8 Stunden. 8 Stunden, danach ist weg. Gibt es eine große, das so kann man, das so mit drin ist, diese Luft oder so für diese? Wann kommen? Nee? Wer braucht die große Maske für das, kann man auch machen. Also hatten wir schon, aber jetzt kommt dann alles ausverkauft. Ausverkauft. Wann kommen die? Ich weiß nicht. Achso, weiß nicht. Ein bisschen Schwierigkeit gibt es also bei Lieferungen. Mhm. Können das nicht erwähnen? Ja, sowas Maske habe ich schon auch. Ja. Ja. Aber ich brauche diese große Maske, das kann man das ja länger benutzen. Diese andere Maske auch, diese. Schön mit oben machen und dann kann man nächsten Tag wieder benutzen. Diese brauche ich. Das weiß ich nicht. Er bringt morgen was mit, aber was weiß ich nicht. Wir können ja auch nicht bestellen, was wir wollen, sondern nur das, was wir genau kriegen. Was wir haben. Ja. Ach so. Das ist nicht. Dann ist, kann ich morgen wiederkommen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das genauso wie das oder anderes mit Filter, ja? Okay, danke. Tschüss. तो इस समय हम लोग मॉल से बाहर आ चुके हैं और मैंने मेडिकल स्टोर से मास्क ले लिए हैं। ये देखिए मेरे मास्क, इसके अंदर मास्क है और ये मैं ले चुकी हूँ मंडे से। भाई ये जो छोटी मार्केटें हैं, जैसे कपड़े की दुकानें या और भी छोटी मार्केट है जो 800 क्वाड्रेटर से छोटी है, वो खुलेंगी मंडे से। और उसके अंदर इन्होंने ये रूल निकाला है कि आपको मास्क लगाकर ही जाना पड़ेगा मार्केट के अंदर। अगर आप कहीं पर भी सामान लेने के लिए जाते हो तो आपको मंडे से मास्क लगाना पड़ेगा। अगर मास्क नहीं लगाया तो एंट्री नहीं होने देंगे? एंट्री तो नहीं होने देंगे कि इनका पता, जर्मन का लोगों का आपको पता ही है कि ये जब कलम की मार मारते हैं भैया, ये कलम से लिख देते हैं, फिर उसके बाद जो जुर्माना है वो कर देते हैं और जुर्माने को आपको भरना ही पड़ेगा। इसलिए इनके रूल का पालन करना ही पड़ता है और रूल का पालन यहाँ की पब्लिक करती है। पिछली बार भी हमने ट्राई किया था मेडिकल स्टोर पर लेकिन मिला नहीं था, जैसे कि आप सभी को पता है। और इस बार हम आए हैं जब तो हमें मिल गया। इस समय हम लोग घर आ गए हैं। आज का जो वीडियो है मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड बटन है उसको क्लिक कीजिएगा, फिर उसके साथ में बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक करिएगा। इससे ये है कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाएगा। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है इंडियन गर्ल इन जर्मनी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, बाय। Bye-bye.